दरभंगा उच्च शिक्षा में सुधार की कवायद शुरू हो चुकी है, इसे आगे ले जाने के लिए जो करना होगा करूंगा, इसके लिए किसी से डरने वाला नहीं। सूबे के राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सत्यपाल मलिक ने यह बातें रविवार को कहीं। वे दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 8वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में बीएड नामांकन के नाम पर बड़ा कारोबार चल रहा था, राजनेताओं सहित बड़े बड़े लोग इस खेल में शामिल थे। इसे बंद करने के लिए नीट की तर्ज पर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सभी विवि को अकेडमिक व परीक्षा कैलेंडर तैयार कर अमल करने का सख्त निर्देश। राज्यपाल ने कहा कि कुलपतियों के साथ पहली मीटिंग में ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभी विश्वविद्यालयों को अकेडमिक कैलेंडर व परीक्षा कैलेंडर तैयार कर उसे अमल में लाने का निर्देश दिया गया है। वहीं पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत को महसूस करते हुए यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉ वेद प्रकाश के नेतृत्व में इस दिशा में भी काम चल रहा है। शिक्षकों की कमी जगजाहिर है, इसे दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय के विकास में छात्रों की भूमिका सुनिश्चित करने व सार्थक संवाद के लिए छात्र मंच गठित करने के लिए छात्र संघ चुनाव भी कराए जा रहे हैं। शिक्षक व कर्मी अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बने, इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी व सीसीटीवी की व्यवस्था भी शुरू है। कॉलेजों के संबंधन को लेकर कुलाधिपति का कड़ा रुख महिला शिक्षा को समय की मांग बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, यह खुशी की बात है। वे पढ़ेंगी तभी सबल बनेंगी। कहा कि सभी वीसी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी कॉलेज को संबंधन देने से पहले यह तय कर लें कि उस कॉलेज में लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम व शौचालय की व्यवस्था हो। सभी कॉलेजों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। 23 टॉपरों को महामहिम ने बांटे गोल्ड मेडल। राज्यपाल ने पीजी के 23 विषयों के टॉपरों को गोल्ड मेडल बांटे। कुल 1021 छात्रों को डिग्री दी गई। पूर्व रक्षा वैज्ञानिक पद्मश्री डॉ मानस बिहारी वर्मा और बिहार कोकिला सह पद्म भूषण डॉ शारदा सिन्हा को मानद उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा भी शामिल हुए।